सीधी बात यह है कि एक सरदार का 1000 रुपया और अगर कोई नामदार सरदार तो 5000। ये प्रोटेस्ट काफी जगहों पर पीसफुल है लेकिन कुछ जगहों पर हिंसा भड़क रही है। जब से रियलिटी स्टोरी बेस्ड मूवी का दौर शुरू हुआ है तब से एक के बाद एक फिल्म आती जा रही है और ऐसी हर फिल्म कॉन्ट्रोवर्सीज का शिकार होती है और इसी कॉन्ट्रोवर्सीज की मदद से ये फिल्म खूब कमाई भी करती है और आने वाले समय में भी हमें इस तरह की फिल्में देखने को मिल जाएंगी। आपको पिछले साल रिलीज हुई द कश्मीर फाइल्स फिल्म तो याद होगी जिसकी रिलीज होने से पहले फिल्म को लेकर देश में काफी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई थी और देश में नहीं बल्कि फिल्म को लेकर विदेशों में भी काफी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई थी। जिसके बाद फिल्म रिलीज हुई और फिल्म ने ताबड़तोड़ कमाई की थी और फिल्म के रिलीज होने बाद फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्नोत्री ने इसके नेक्स्ट पार्ट की अनाउंसमेंट भी कर दी और अब की बार विवेक अग्नोत्री द दिल्ली फाइल्स नाम की फिल्म बनाने वाले हैं और ये फिल्म भी एक रियल स्टोरी पर बेस्ड होगी इसलिए इस फिल्म पर भी कॉन्ट्रोवर्सीज होना तो पक्का है। अब देखना यह होगा कि हर बार की तरह इस फिल्म को भी कॉन्ट्रोवर्सी से फायदा मिलता है या नुकसान। अभी हाल ही में रिलीज हुई द केरल स्टोरी फिल्म ने भी अपनी कॉन्ट्रोवर्सीज की मदद से खूब कमाई की और अभी भी ये फिल्म कमाई करती जा रही है। जैसा कि आप सबको पता है कि ये फिल्म भी रियल स्टोरी पर बेस्ड है इसलिए ये दौर अभी तो शुरू हुआ है। इसके बाद हमें केरला स्टोरी फिल्म जैसी और भी कई फिल्म देखने को मिलेंगी। अब देखना ये होगा कि द कश्मीर फाइल्स और केरल स्टोरी फिल्म के बाद इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर अब कौन सी स्टोरी के ऊपर फिल्म बनाने वाले हैं। पर विवेक अग्नोत्री ने अनाउंस कर दिया है कि इसकी आने वाली अगली फिल्म द दिल्ली फाइल्स होगी जिसमें हमें 1984 में हुए दंगों के बारे में बताया जाएगा और फिल्म में हमें देश के प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी की जो मृत्यु हुई थी उसके बारे में बताया जाएगा कि कैसे उनकी हत्या की गई थी। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में इस फिल्म को लेकर क्या कॉन्ट्रोवर्सीज होती है और क्या फिल्म को उस कॉन्ट्रोवर्सीज का फायदा मिलता है या नहीं। और सुनने को तो मिलता है कि विवेक अग्नोत्री की इस फिल्म में हमें दोबारा से अनुपम खेर देखने को मिल सकते हैं क्योंकि द कश्मीर फाइल्स में अनुपम खेर की एक्टिंग लोगों को काफी पसंद आई थी। अब ये तो खैर आने वाला समय ही बताएगा कि हमें फिल्म में अनुपम खेर देखने को मिलते हैं या नहीं। हो सकता है कि अनुपम खेर के साथ साथ फिल्म में हमें और भी कई बड़े कलाकार देखने को मिले लेकिन अभी ये सब जानने के लिए हमें लंबा इंतजार करना पड़ेगा। वहीं बात करें फिल्म के रिलीज होने की तो अभी इस फिल्म के लिए काफी लंबा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि अभी इस फिल्म की स्टोरी राइटिंग शुरू नहीं हुई है और सुनने को मिल रहा है कि विवेक अग्नोत्री अभी फिल्म के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं क्योंकि ये फिल्म एक पॉलिटिकल फिल्म होने वाली है इसलिए इस फिल्म की हर एक चीज को बेहतरीन तरीके से रिसर्च करनी पड़ेगी जिसमें काफी समय लगेगा और सुनने को मिल रहा है कि कुछ ही दिनों में सारी रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी जिसके बाद विवेक अग्नोत्री फिल्म की राइटिंग शुरू कर देंगे और 2024 के मिड तक फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाएगी। इसके बाद ये फिल्म हमें 2025 तक सिनेमा हॉल्स पर दिख जाएगी और देखना ये होगा कि कश्मीर फाइल्स और केरल स्टोरी की तरह दिल्ली फाइल्स भी बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर पाती है या नहीं। इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। गुड बाय।